क्या मास और वेट एक ही होते हैं? चलिए मैं आपको टाइम देती हूँ, मुझे बताइए आपको क्या लगता है। और टाइम्स अप, अगर आपको लग रहा था कि हाँ तो आप गलत हैं, क्यों वो इस वीडियो में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मास की। मास क्या है? इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। मैटर जो किसी बॉडी में प्रेजेंट है क्वांटिटी में जितने भी, उसको हम मास बोलते हैं। जैसे बॉल में हमारा देखो सॉलिड का पोर्शन होता है और अंदर गैस होती है, तो वो पूरा जो है हमें मिल गया वो क्या हो गया, हमारा मास। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? केजी। यानी कि मास को हम केजी में मेजर करते हैं। और ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। इसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी, यानी कि छोटा हो ऑब्जेक्ट बड़ा हो कुछ ना कुछ उसका मास होगा। बहुत इंटरेस्टिंग बात है मास के बारे में कि एक जगह से दूसरी जगह अगर हम जाते हैं तो मास की वैल्यू सेम रहती है। देखिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो आप अर्थ पर हो और आपका मास है, जस्ट फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं, 50 kg। ओके, तो अगर आप मून पर चले जाओगे तो भी आपका मास 50 kg ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका वहां जाकर मास चेंज हो जाएगा। ठीक है, और मास को मेजर करते हैं हम किससे? बैलेंस से। आप लोग सब्जी लेने जाते होगे तो आपने देखा होगा तराजू जिसे बोलते हैं हिंदी में, उससे मेजर करते हैं ना हम, तो वो मास ही मेजर कर रहे होते हैं। आप बोलते हैं इतने केजी सब्जी दे दीजिए, वो इस चीज है मास आपका। अब समझते हैं क्या वेट। वेट क्या है? ये एक फोर्स है जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है। किसकी वजह से? ड्यू टू ग्रेविटेशन। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, उसी को हमने वेट नाम दिया है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन, क्योंकि फोर्स के बराबर है ना ये। और ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी डायरेक्शन होती है, ऐसी वेट की भी डायरेक्शन होती है। और ये क्या है? जीरो हो सकता है। इसकी वैल्यू जो है बदल जाती है एक जगह से दूसरी जगह। मतलब क्या हुआ उसको समझते हैं। देखो आप अर्थ पर हो और अर्थ पर आपका वेट जो है, मान लेते हैं कि वो कितना है, 60 न्यूटन। तो आप जब मून पर जाओगे तो आपका वेट जो है वो 60 न्यूटन नहीं रहेगा, वो बदल जाएगा, कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 10 न्यूटन। देखिए वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अभी हमने बात की, ये क्या होता है? फोर्स। कौन सी फोर्स? जिससे अर्थ, अगर अर्थ पे मैं वेट की बात करूं तो अर्थ जो है जिस फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है, वो जो फोर्स है वो उस ऑब्जेक्ट का वेट होगा। ठीक है, अब हमने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा था, उसमें एफ इज इक्वल टू एम ए पढ़ा था। इसी को हमने क्या किया, ये जो फोर्स हमारी अर्थ लगा रही है उसकी वजह से हम क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी ऑब्जेक्ट पर, तो इसकी जगह ए की जगह मैंने क्या लिख दिया, जी। तो एफ इज इक्वल टू एम जी हो गया। यही फोर्स जो है आपकी, ये आपका क्या है, वेट है। W इक्वल टू mg होता है फॉर्मूला आपका वेट का। ओके, अब वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात करूं तो इसको मेजर भी कर सकते हैं। किसके थ्रू मेजर करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है यही स्प्रिंग बैलेंस है। आप लोगों ने देखा होगा जो हॉकर्स आते हैं ना, वो इसी सिलेंडर वाले हॉकर्स, वो इसी से ही मेजर करते हैं वेट। तो आई होप अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि मास और वेट जो है क्या है, दो अलग अलग चीजें होती हैं। थैंक यू।